Hello student, very good morning to all. Today we will discuss about the practical questions of the partnership, the first chapter of our first year accountancy. Practical questions of partnership accountancy, hum practical questions yahan par discuss karenge, jo mera first chapter hai accounting hai partnership accounting fundamental. To sabse pehle main aapko bata deta hu ki usme jo topics hai wo kitne hai. Sabse jo pehla topic hai hamare usme चैप्टर के अंदर वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अकाउंट को क्रिएट करना. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. कभी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगर इसमें कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना हो तो. जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के काफी यहां पर मेथड्स दिए हुए हैं. 2 टाइप्स के मेथड है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड. उनकी यहां कैलकुलेशन करनी है, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय द वेरियस मेथड. ये हमारा यहां टॉपिक रहेगा. थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो है क्लोज अकाउंट एडजस्टमेंट. क्लोज अकाउंट एडजस्टमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये. इसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर. और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गारंटी इन पार्टनरशिप ऑफ प्रॉफिट. की गारंटी इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर जो गारंटी दी जाती है. मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट की सेपरेट वीडियोस आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोज अकाउंट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मैंने बहुत अच्छी इनकी वीडियो बनाई हुई है. और गारंटी इन प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट की गारंटी होती है वो कितने प्रकार की गारंटी होती है और किस प्रकार और कौन वो गारंटी दे सकता है, तो इनकी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है. तो आज मैं आपके साथ इन सभी कॉन्सेप्ट के एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक क्वेश्चन की, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद में क्लोज अकाउंट के क्वेश्चन और उसके बाद में गारंटी इन पार्टनरशिप. तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं आपके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है. मैंने जो क्वेश्चन उठाया है टीएस ग्रेवाल की बुक से, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का. तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, मैं यहां क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं. पहले क्वेश्चन आपका है, देखिएगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म. 3 पार्टनर आपकी फर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप की डीड के अकॉर्डिंग द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू ड्रॉ 7,000 पर मंथ. और पार्टनर्स को यह अनुमति दी गई है पार्टनरशिप डीड में कि वो ड्रॉइंग कर सकते हैं 7,000 रुपए पर मंथ की ड्रॉइंग, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ दे, प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे को उन्होंने क्या किया, ए बी एंड सी ड्रू, उन्होंने निकाला है 7,000 रुपए, 6,000 रुपए और 5,000 रुपए कि इन्होंने ड्रॉइंग किया है. ए की ड्रॉइंग है 7,000 रुपए, बी की ड्रॉइंग है 6,000 रुपया और सी की ड्रॉइंग है 5,000 रुपया रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो इंटरेस्ट है कैपिटल और ड्रॉइंग पर आर फिक्स, जो फिक्स कर दिया गया है 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. यह देखिएगा 8% एंड 10% है, ये परिणाम नहीं है. जो कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट अलो करना है पार्टनर को वो 8% है और ड्रॉइंग पे जो चार्ज करना है वो 10% है. तो यहां सिर्फ 10% लिखा हुआ है, 10% पर एनम नहीं है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज, और जो साल का प्रॉफिट है वो उनका हुआ है 7,55,000 रुपए, आउट ऑफ विच, और जिसमें से 2 लाख रुपीज आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, और इसमें से 2 लाख रुपए हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है. बी एंड सी आर एंटाइटल टू रिसीव सैलरी ऑफ, और बी और सी को सैलरी भी मिलेगी 30,000 रुपया और 45,000 रुपया पर एनम, मतलब ये ईयरली सैलरी है उनकी. एंड ए इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन, और ए को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. देखिएगा ए को जो 10% प्रॉफिट दिया जाएगा, सॉरी 10% कमीशन दिया जाएगा, वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे दिया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट होगा आपका, जो डिस्ट्रीब्यूट करने योग्य प्रॉफिट होगा, जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट का 10% आपको दिया जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट दी हुई है इसमें. उसके बाद बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और खुद का कमीशन भी चार्ज करना है, मतलब की जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स को उसमें से खुद का कमीशन भी चार्ज करना है, उसके बाद में उसको क्या करना है 10% कमीशन देना है.
ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, मतलब कि यहां ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग जब साल शुरू हुई थी इनकी, द बैलेंस ऑफ दी कैपिटल अकाउंट वाले, इनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एंड 3.5 लाख हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अब हमें यहाँ का क्या करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में ये देखिएगा कि पूछा क्या क्या है और क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, सबसे पहले आप लेकर आओगे जो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये मैंने आपको पहले बताया, यहां पर आप प्रॉफिट लेकर आओगे, कितना प्रॉफिट दिया था, 7,55,000 रुपए साइज प्रॉफिट दिया है। वेरी गुड, 7,55,000 रुपए प्रॉफिट दिया है। अब यहां पर आप क्या लेके आओगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी, और इनकी ड्रॉइंग भी आपको दे रखी है, ए ने किया था 7,000 रुपए, बी ने 6,000 रुपए और सी ने 5,000 रुपया। तो इनकी ड्रॉइंग देखिए कितनी हुई, 7/12 and 6/12 and 5/12, तो इनकी जो ड्रॉइंग हुई वो 84,000 रुपीज, और इसकी जो ड्रॉइंग हुई वो 72,000 रुपीज, और इसकी जो ड्रॉइंग हुई वो 60,000 रुपीज। तो अब हमें इस ड्रॉइंग पर क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%, इन पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और 10% दिया हुआ है पर एनम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फुल ईयर का यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फुल ईयर का क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना इंटरेस्ट हुआ इनका देखिएगा, पूरे साल का ये हुआ आपका 21,600 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ। ये हमने क्रेडिट साइड का टोटल जो ट्रीटमेंट था वो कर दिया। अब देखिएगा यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, तो इनका इंटरेस्ट जो बनेगा वो देखिएगा कितना होगा, इनकी कैपिटल थी टोटल 5,00,000, 4,00,000 और 3,50,000 रुपए, तो इनको इंटरेस्ट देना था 8% की रेट से 5 लाख पर देंगे 40,000 रुपीज, और 4 लाख पर देंगे 32, और इनका था 28,000 रुपीज। ये टोटल कर लो आप कितना हुआ, 0,60,50, 1,00,000 रुपया टोटल आपका कितना हुआ टोटल इंटरेस्ट, 1,00,000 रुपया। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि जनरल लेजरों में भी ट्रांसफर करने हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट कितना 2,00,000 रुपीज जनरल लेजरों में डालना है। फिर था सैलरी, सैलरी थी पार्टनर्स की, और किस किस पार्टनर की सैलरी दे रखी थी, क्वेश्चन में देखिएगा सैलरी दी हुई थी बी एंड सी की सैलरी दी हुई थी, देखिएगा 30,000 and 45,000 रुपया, तो यहां पे लिखोगे आप बी एंड सी का 30,000 रुपया और 45,000 रुपया, टोटल कितना हुआ 75,000 रुपीज हुआ। अब देखिएगा हमें देना है कमीशन, टू कमीशन, ए को हमें कमीशन देना है, बट देना कितना है टोटल कमीशन वो देखिएगा। इन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करने के योग्य प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर आपको ये कमीशन देना है, तो सबसे पहले तो ये टोटल कर लो कितना होगा, ये टोटल हमने किया 0,06, उसके बाद में है फिर 6, उसके बाद में है फिर 7 and 7, 7,76,600 रुपए हमारा जो टोटल बचा है यहां पर प्रॉफिट हुआ है टोटल, और उसमें से हम क्या करेंगे 7,76,600 रुपए में से हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एक्सपेंस था वो माइनस कर देंगे। तो देखिएगा कितना एक्सपेंस हुआ, सबसे पहले 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,75,000 रुपया, तो हम क्या करेंगे 7,76,600 रुपए में से 3,75,000 रुपए माइनस कर देंगे, 3,75,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कितना बचा, 4,01,600 रुपए बचा, और इस 4,01,600 पर हमें क्या करना है 10% कमीशन देना है, क्योंकि इसी प्रॉफिट पर बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर आपको क्या करना है कमीशन देना है, तो देखिएगा कितना कमीशन देंगे। और इसने बोला था खुद का कमीशन भी चार्ज करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10/110 का फॉर्मूला लगेगा, हमने ये जिससे काट दिया इससे काट के देख लो जितने में भी कटेगा ये,
36,509 रुपया, वो आपका मैंने कमीशन यहां डाल दिया, 36,509 रुपया टोटल कमीशन होगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो टोटल प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा इनका, जो टोटल प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 3,65,000, कितना बचेगा, 3,65,091 रुपए। और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, टू प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, और इनका प्रॉफिट देखो रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे इक्वली इनको बांट देंगे, और इक्वली बांट देंगे, इनका कितना आएगा 1,21,697 रुपया, 1,21,697 रुपया, 1,21,697 रुपया, ये टोटल क्वेश्चन हुआ आप लोगों का। तो देखिएगा प्रॉफिट लेके आए, फिर हमने इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट था वो ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जनरल में ट्रांसफर किया और सैलरी दी। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद में बोला कि 10% ए को कमीशन देना है और उसका खुद का कमीशन चार्ज करना है, और नेट प्रॉफिट जो बचेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस पर देना है। तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट बचा 4,01,600 रुपए पे हमने क्या किया, 10% इसको कमीशन दिया। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया, क्योंकि इस रेशियो इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एग्रो ऑपरेशन से रिलेटेड। और इसमें अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट बना देता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, तीनों पार्टनर्स का यहां पर कैपिटल अकाउंट ओपन करोगे, ए बी सी पर्टिकुलर, ए यहां पर देखिएगा कैपिटल अकाउंट मैं क्रिएट कर देता हूं, ये थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं एक बार मैं ऊपर से। तो कैपिटल अकाउंट हुआ आपका सी बी ए। देखिएगा सबसे पहले हम लेके आएंगे बाय बैलेंस प्रूफ डाउन, इनका जो बैलेंस था कैपिटल का, इनका बैलेंस कितना था कैपिटल का वो लेके आएंगे। इसका था 5,00,000 रुपया, इसका था 3,00,000 रुपया, सॉरी 4,00,000 था शायद, इसका था 4,00,000 रुपया, सॉरी 4,00,000 था इसका, और इसका था 3,50,000 रुपया। उसके बाद में हमने क्या दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया देखिएगा, 40,000 रुपीज, 32,000 रुपीज और 28,000 रुपीज। उसके बाद में हमने क्या दिया, सैलरी दी, बाय सैलरी, सैलरी हमने दी थी बी और सी को, ए को नहीं दी, बी और सी को दी थी, बी को दी थी 30,000 रुपया और सी को दी 45,000 रुपीज। उसके बाद में हमने क्या दिया था, कमीशन दिया, कमीशन कितना दिया, ए को दिया था 36,509 रुपया, इनको कुछ नहीं मिला तो डैश। उसके बाद में हमने इनको क्या दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने इनको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया था 1,21,697 रुपया, तीनों का सेम ही प्रॉफिट था क्योंकि रेशियो इनका क्या था, सेम था। उसके बाद में इनसे हमने लिया क्या है, टू इनकी ड्रॉइंग ले लो, इनकी जो ड्रॉइंग थी वो कितनी थी, 84,000 रुपया, 72,000 रुपया और 60,000 रुपया। उसके बाद में क्या लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, जो हमने यहां पे चार्ज किया, देखो इसका इंटरेस्ट बचा था 8,400 रुपया, इसका 7,200 रुपया और इसका 6,000 रुपया। अब हम यहां क्या करेंगे, टोटल करेंगे तीनों का, टोटल जब करोगे आप तीनों का देखिएगा कितना टोटल बनता है, हम टोटल यहीं से देख लेते हैं। तो इनका टोटल बनता है 5,44,000 रुपया, 5,44,697 रुपया, इसका जो टोटल बनता है 5,83,697 रुपया और इसका जो टोटल बनता है 6,98,206 रुपये। और बिल्कुल सेम यहां लिखेंगे हम 6,98,206 रुपया, 5,83,697 रुपया और 5,44,697 रुपया। आप देखिएगा हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल, तो यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो यहां बचेगी, ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे और जो बचेगी वो क्या बचेगी, इनकी क्लोजिंग कैपिटल बचेगी। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची, इसकी बची 6,05,806 रुपया, इसकी बची 5,04,497 रुपया और इसकी 4,78,697 रुपया इसकी कैपिटल बची। तो ये था इनका कैपिटल अकाउंट, जो का पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट साइड में,
जो पार्टनर से लेना होता है वो डेबिट साइड में, और जो बचेगा वो यहां पर इनका क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन है कि व्हेन ड्रॉइंग आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ओनली, जब केवल छह महीनों के लिए ड्रॉइंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ। ए ने क्या किया, 4000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इन्होंने ड्रॉइंग किया है, और छह महीने के लिए इसने ड्रॉइंग किया है, एंडेड 31 सॉरी एंडेड 30 सितंबर 2016। बी ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ एंडेड द सेम डेट, एंड सी ड्रू रेगुलरली 4000 इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ एंडेड 30 सितंबर 2016। इन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम, हमें क्या करना है 5% पर एनम की यहां पर रेट दे रखी है और हमें ड्रॉइंग को कैलकुलेट करना है। तो इन्होंने क्या किया, जो ए है उन्होंने ड्रॉइंग की है 4000 रुपीज बिगिनिंग में, और सी ने क्या किया है 4000 रुपीज को एंड में किया है, और सी ने क्या किया है 4000 को मिडल में किया है। बट यहां पर क्या इन्होंने तीनों ने क्या किया, छह महीने तक ड्रॉइंग किया है, और इनकी ड्रॉइंग कहां से शुरू होती है पहले मैं ये लिख लेता हूं यहां पर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इन्होंने क्या किया है कि 30 सितंबर तक इनकी जो ड्रॉइंग की लास्ट वो हुई है। अब देखिएगा, हम कैलकुलेट करते हैं ए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग, ए की ड्रॉइंग। तो सबसे पहले देखिए ए की ड्रॉइंग कितनी थी, 4000 रुपीज थी, और इसने छह महीने तक की है, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, 24000 रुपीज टोटल हुई। अब यहां पर कितने मंथ का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको यहां पर बताया था कि कितने महीने का इंटरेस्ट यहां पर लगेगा। तो जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, यहां पर हमें मंथ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्या लिखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, और इसको डिवाइड कर देंगे टू से। तो देखिएगा ए की जो ड्रॉइंग थी वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ थी, तो इसका मतलब इसने 1 अप्रैल को ड्रॉइंग किया है, और लास्ट ड्रॉइंग इसकी 1 सितंबर को थी। तो देखिएगा पहले ड्रॉइंग के बाद में कितना टाइम बचा, 6 मंथ, कितना बचा 6 मंथ। लास्ट ड्रॉइंग के बाद में कितना टाइम बचा, 1 मंथ, क्योंकि 1 सितंबर है तो सितंबर पूरा बचा है बाय 2, तो 7/2 मीन्स 3.5 महीने का यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो देखिएगा कितना होगा, इसकी टोटल ड्रॉइंग कितनी थी 24000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो थी हमारी 5% पर एनम, तो हम लगाएंगे 5/12, और कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। तो मैंने यहां पॉइंट को हटाकर 10 लगा दिया और ये 12 लगा दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हमने यहां पर कट कर दी, और ये 2 पे कट कर दिया, तो हम क्या करेंगे 35 को कर लो 2 से 35 70, 70 को 5 से कर लो, 5 7 35, 350 रुपए क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ए का कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, 350 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। अब हम बी का देखते हैं, तो बी की जो ड्रॉइंग थी, बी की जो ड्रॉइंग थी वो कितनी थी, 4000 रुपया मंथ के एंड में थी, 4000 रुपया क्या थी, मंथ के एंड में थी। इसका मतलब यहां लास्ट में, और ये 30 सितंबर को लास्ट ड्रॉइंग थी। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद में कितना टाइम बचा, फर्स्ट ड्रॉइंग 30 अप्रैल को हुई इसकी, तो ये तो सारा खत्म हो गया, अप्रैल तो बिल्कुल जा चुका है, और लास्ट में कितने महीने बचे हैं, 5 मंथ, और लास्ट ड्रॉइंग 30 सितंबर को थी, तो 30 सितंबर को लास्ट ड्रॉइंग थी, यहीं तक हमें कैलकुलेट करना है, तो 0 मंथ मतलब 0 दिन और बटा में 2, यहां पर 2.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो देखिएगा बिल्कुल सेम अमाउंट इसकी कितनी है, 24000 5 की रेट से, और कितनी कितने महीने का लगेगा, 2.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो उसी की तरह 3 जीरो से 3 जीरो काट दी और ये 2 पे गया, 25 को कर लो 50 और 5 मतलब कि
₹250 यहाँ पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा बी की ड्रॉइंग का। इसी प्रकार हम सी की ड्रॉइंग का ब्याज निकालते हैं और सी ने क्या किया, मिडिल में किया है, सी ने क्या किया मिडिल में किया है, तो मिडिल क्या होता है महीने का 15, हम लेके चलते हैं 15 को। अब देखिए इसने 15 तारीख को ड्रॉइंग किया तो कितने महीने बचे, 5.5 महीने बचे, कितना बचा क्योंकि आधा तो महीना अप्रैल और बाकी 5 महीने ये पूरे बचे हैं। तो लास्ट ड्रॉइंग इसने कब किया है, 15 सितंबर को किया है, तो 15 सितंबर के बाद में कितने महीने बचे, आधा महीना बचा, कितना महीना बचा, आधा महीना बचा, तो टोटल को कर लो कितना, 6/2 3 मंथ, 3 महीने का ब्याज लग जाएगा यहां पर, 3 महीने का ब्याज लगेगा तो देखिए इंटरेस्ट कितना होगा, 24,000, 5 की रेट है बिल्कुल सेम, और 3/12, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दी, ये 4 पे गया, 4 से इसको काट लो ये कितने पे गया, 6 चौके 24, 6 पे गया 7, कितना इंटरेस्ट हुआ, 6×5=30, 300 रुपए यहां क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ, कितना रुपया, 300 रुपए यहां पर इंटरेस्ट हुआ, कितना हुआ 300 रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो ये था क्वेश्चन आपका कि इन्होंने 6 मंथ के लिए ड्रॉइंग की है तो यहां पर 6 मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये फुल ईयर की ड्रॉइंग करते तो हम फुल ईयर के हिसाब से यहां कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लोज अकाउंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट की जो कैपिटल है वो है 30,000, 15,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, डीड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, आर वाज टू बी अलाउडेड रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000 पर एनम, कि आर को रेम्यूनरेशन देंगे हम 3,000 रुपए पर एनम पूरे साल का, इंटरेस्ट एट दैट 5% पर एनम, वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:2:1, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:2:1 था। इग्नोरिंग द अबोव टर्म्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 जो इनका, इन्होंने क्या किया ऊपर के जो भी आइटम्स थे इनको इग्नोर किया एडजस्टमेंट को, और नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर इक्वली, और इन्होंने तीनों पार्टनर्स में इक्वली वो क्या किया, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, पास द जर्नल एंट्री बाय रेक्टिफाइंग द एरर शो द वर्किंग नोट क्लियरली। अब हमें वर्किंग नोट क्लियरली दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल होगी उस टेबल को क्रिएट करेंगे। देखिएगा इन्होंने क्या किया, जो 18,000 रुपीज प्रॉफिट था उसको ऑलरेडी बांट चुके थे, वो ऑलरेडी बांट चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट वापिस मंगवाएंगे जो उन्होंने गलत रेशियो में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम वो वापिस मंगवा लेते हैं तीनों से, इनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जब ये लेके गए थे तो तब हमने क्रेडिट किया था, तो ये इक्वली लेके गए थे और इनसे जितना लेके गए थे उतना ही वापिस हमने इनसे मंगवा लिया। टोटल अब फर्म के पास कितना प्रॉफिट हुआ, 18,000 रुपीज, कितना हुआ 18,000 रुपीज। अब देखिएगा जो देना होता है पार्टनर्स को वो हम देखते हैं, तो हम आर रेम्यूनरेशन देंगे, आर को क्या देंगे, सैलरी देंगे, सॉरी इनका क्या था, आर को देना, मैंने पी क्यू आर लिखना, क्या लिखना था, पी क्यू और आर, तो आर को रेम्यूनरेशन देंगे हम 3,000 रुपया, ये जब देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इसके अकाउंट में। अब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं इनकी कैपिटल अकाउंट पे, तो वो था हमारा 5% और इनकी कैपिटल थी 30,000 रुपया, तो इस पर कितना बनेगा 1,500 रुपया और 750 और 750, तो ये टोटल हमारा क्या हुआ, ये दोनों मिला के क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अब हमें इनको क्या देंगे, 18,000 में से ये खर्चा माइनस करने के बाद में, जो एक्सपेंस था वो माइनस करने के बाद में जो बचा हुआ वो प्रॉफिट दे देंगे। तो देखिएगा कितना बचा, 18,000 में से माइनस कर दो 3,000 और माइनस कर दो ये भी कितना हुआ 3,000, तो 6,000 रुपये माइनस हुआ तो कितना बचा 12,000 रुपया, और 12,000 को हम बांट देंगे 2:2:1 में, तो कितने पे जाएगा ये देख लो, आपका 2 पे गया 4, 12 में 24 में 5, इसको देंगे 4,800 रुपीज। तो ये जो भी अमाउंट थी वो इनके अकाउंट में क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो ये तीनों अमाउंट क्या थी, हमें क्रेडिट करनी है, टोटल कर लो जोड़ इनका कितना क्रेडिट करना है, 0,0,63
इसका तो टोटल अमाउंट है 0,5,5,55 रुपये, कितना था 24 रुपये। तो देखिएगा इसका कितना बनता है टोटल, इसका बनता है टोटल 3,000 रुपये, 750 रुपये और 2,400 रुपये, इसका बनता है 6,750 रुपया। तो अब देखिएगा इनका क्रेडिट बैलेंस ये है और डेबिट बैलेंस ये है। तो इसका डेबिट बैलेंस है 6,000 रुपया, आर का क्रेडिट कितना है इसका 6,750 रुपया, 6,750 रुपया। तो हम इसको 150 रुपया क्या बचेगा इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इसका देखिएगा 6,000 रुपये डेबिट बैलेंस है और इसका 5,550 रुपये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा क्या होगा, कितना बचेगा 450 रुपया डेबिट बैलेंस बचा और इसका 300 रुपया क्या बचा क्रेडिट बैलेंस बचा। तो अब हमें एक जर्नल एंट्री के माध्यम से इनको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले डेबिट कर दो, यहां करेंगे क्याउस कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 टू पीएस कैपिटल अकाउंट टू आज कैपिटल अकाउंट और इनका बचेगा टोटल, इसका हुआ 300 रुपया और इसका हुआ 150 रुपया। तो इस जर्नल एंट्री के माध्यम से हमें ये क्वेश्चन रेक्टिफाई करना था। ये आपका था क्लोज अकाउंट का एडजस्टमेंट, क्लोज अकाउंट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जिसमें से इन्होंने गलत रेशियो में क्या किया, रॉन्ग रेशियो में इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया इन्होंने कैपिटल पर और कुछ रेवोल्यूशन था पार्टनर्स को वो नहीं दिया। तो अब हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, रेक्टिफाई किया। आज